Assalamualaikum everyone. In today's video, I'm going to share with you how to make this swing photo frame. It's very easy to make. You just need to follow all the steps that I'm showing in this video. I have made this frame for a birthday occasion, so you can make it for any occasion you want. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले आपने ले लेना है कार्डस्टॉक पेपर, उसको ऐसे इस तरीके से मार्क कर लेना है। अभी जो आपने जो हिसाब मार्क किया था, यहाँ मैं क्रॉस लगा रही हूँ क्योंकि हमने ये कट कर लेना है। अभी हम कटर और स्केल की मदद से ये जो हमने मार्क की थी ना लाइन्स, वो हमने कट कर लेनी है। जो अंदर का स्क्वायर होगा वो हमने कट कर लेना है इस तरीके से। चलें जी, अब जो दरमियान वाला जो हिस्सा है वो हम उसको अलग-अलग कर लेंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया एक फ्रेम। ऐसा ही हमने एक दूसरा बना लेना है। अब ये हमारे इनर लेयर्स, इनका जो ये साइज़ है, ऐसे आप कट कर लें। अभी मैं कर रही हूँ ये जो हमारी जो लाइंस हमने मार्क की है ना, इनको हम स्क्वायर कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम फोल्ड करेंगे ना तो फोल्ड करने में आसानी होगी हमें। इस तरीके से आप सारी लाइन जो है वो ऐसे मार्क कर लें, स्क्वायर कर लें, और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी कर लें। ये हमारा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आपको पता चलेगा जब हम इसको क्लोज करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये ऐसे क्यों है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जितनी भी लाइन्स हैं ना ये वाली, ये सारी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और अभी आपको शायद ये भी पता चल गया होगा कि हमने पहले वाला जो प्रोसेस किया था, हमारे जो ये पैनल्स हैं जो भी हैं उनके साथ क्यों किया था, ताकि हमारी जो ये लाइंस है वो आसानी से फोल्ड हो जाएं। ये देखो कितने आराम से ये फोल्ड हो रही हैं, कोई भी इस पे नहीं हो रहा, कोई गंद वगैरह जो होता है ना वो नहीं डल रहा, बिल्कुल सीधी हो रही है माशाल्लाह। वरना कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब भी कोई चीज़ फोल्ड करते हैं ना, काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से फोल्ड नहीं होती, ऊपर नीचे भी उस पर ना लाइन्स डलती हैं। वो आप बगैर स्क्वायर के भी चेक कर सकते हैं कि किन की मैं बात कर रही हूँ। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फर्स्ट लेयर है ना, इनके जो दो पार्ट्स हैं, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हम ग्लू कर लेंगे, ग्लू लगा लेंगे। अगर आपके पास डबल साइड टेप है ये वो भी आप यूज़ कर सकते हो, UHU ग्लू, हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। अब हम ये इसको सेकंड पार्ट पे लगाएंगे इस तरीके से, और जो दूसरा है उसको दूसरे हिस्से पे। अब हम मार्क करेंगे जो हमारा दूसरा छोटू वाला पार्ट है वहाँ पे करेंगे। 5.5 सेंटीमीटर के दूरी पे हम दरमियान में करेंगे, छोटा सा मार्क करना है। क्रॉस भी लगा सकते हो आप, क्योंकि हम यहाँ पे एक होल बनाएंगे जिसमें हमारा होगा, हमारी स्टिक ऐड होगी जिसमें, यहाँ पे वैसा ही एक दूसरे साइड पे बना लेना है हमने। ये देखिए हमारे हो गए क्रॉस दोनों साइड से। ये हम किसी भी चीज़ से होल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, सुआ है, ये मेरे ना असल में जो एक्सेसरी मेकिंग किट है ना उसमें आया था, ज्वेलरी मेकिंग जो होता है ना, टूल्स वगैरह उसमें। तो ये ऐसे हम करेंगे। ये हमारा जो है ना स्टिक, ये जो हम खाते हैं टिक्के वगैरह बारबेक्यू, ये उनका है, उनकी स्टिक है। तो आज हम इससे कुछ बनाएंगे, कुछ नहीं है, जो अब मैं सामने आपके बना रही हूँ ये वही चीज़ बना रही हूँ मैं इससे। अभी ये जो पार्ट हमारा रह गया था, अब हम इसको स्टिक कर लेंगे ग्लू की मदद से, या फिर जिससे आप करना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला था। ऐसे, और हमारा जो अंदर का है वो हो गया रेडी। चलें जी, अब हम बनाएंगे आउटर पार्ट।
कुछ इस तरह से, वैसे ही सेम है लेकिन आप साइज में थोड़ी डिफरेंस है। चलें जी, ये हमारे जो साइज है, अब इनके साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने दूसरे पार्ट के साथ किया था, जो अंदर वाला जो हिस्सा है ना वो। अब ये वाला है जो बाहर वाला है, तो ये बाहर रहेगा तो उसको भी आपने वैसे ही मार्क कर देना है ताकि आपको फोल्डिंग में आसानी हो। चलें जी, अब हम आराम से ऐसे फोल्ड करेंगे अपने जितने भी लाइन हमने लगाई हुई है, मार्क किया हुआ है, ऐसे ही आप फोल्ड कर लें सारे पार्ट को, सारे हिस्सों को फोल्ड कर लें। वैसे इसकी एक बात है, अगर आपने पहले से ही मार्किंग शार्किंग की हुई है ना, तो आप अगर जब फोल्डिंग पे आओगे मज़ा आएगा फोल्ड करते हुए, आपका दिल करेगा कि काम ख़त्म ही ना हो। अब ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम सब हिस्सों को कर लेंगे फोल्ड। चलें जी, हमारा जो फोल्डिंग प्रोसेस था वो हो गया। अब हम सेम चिपकाएंगे इसको, आपस में जोड़ेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि दोनों पार्ट्स में थोड़ी डिफरेंस क्यों है ना। चलें अब जोड़ते हैं इनको। चलें जब हमारा जो बाहर वाला फ्रेम था वो भी हो गया, ये अंदर वाला फ्रेम है। अब दोनों को हम इकट्ठा करेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो हमारी बाहर वाले साइड की ओपनिंग है ना, ये वाली नीचे वाली, इसे हम बंद करेंगे। सबसे पहले अंदर वाला जो फ्रेम है उसको अलहदा कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको चिपकाएंगे फ्रेम में कुछ इस तरह का तरीके से, हम इसको चिपका लेंगे आपस में। यहाँ पे हॉट ग्लू या फिर स्टिक ग्लू या फिर कोई भी ग्लू लेके आप इसको स्टिक कर सकते हैं। ये जो हमारे पैनल्स हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट 1 सेंटीमीटर के, यहाँ पे हम ग्लू लगा के इस फ्रेम से अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। वैसे ही फॉलो कर करके आपने जो बाकी के पैनल्स हैं, बाकी की साइड्स हैं, उनको भी ऐसे ही अटैच कर लेना है, स्टिक कर लेना है हॉट ग्लू से, UHU ग्लू, स्टिक ग्लू, या फिर अगर आप डबल साइड टेप भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ करना है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ UHU ग्लू, ताकि क्योंकि ये मज़बूत होती है थोड़ी ना, तो इस वजह से, ताकि ये मेरा बाद में खुलने लगे, क्योंकि अक्सर खुल जाते हैं ऐसे बॉक्सेस। मतलब कि ऐसा होता है जो हम 3D चीज़ें बनाते हैं ना, वो जो कोई भी अगर ग्लू यूज़ करेंगे ना, स्टिक ग्लू यूज़ करेंगे, कोई भी ग्लू, अक्सर कुछ ग्लू ऐसी होती हैं कि बाद में चीज़ें उखड़ने लग जाती हैं, जिनको बोलते हैं ना आप लोग, उखड़ती लग जाती हैं, खुलने लग जाती हैं, अलहदा हो जाती हैं, टिक टिक करके खुलने लग जाती है। कोई भी ग्लू देखा होगा अक्सर आपने, तो इस वजह से ये मुझे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ये मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। ऐसे जब आप चिपका रहे हो, अटैच कर रहे हो, स्टिक कर रहे हो कोई भी चीज़, तो उसको ना ऐसे आपस में ना ऐसे दबा लिया करें थोड़ा थोड़ा। चलें जी, एक साइड हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्टिक, ये जो हमने छोटे छोटे होल किए थे ना उस पर हम स्टिक ऐड करेंगे। अब इसको हम ना, आप कलर भी कर सकते हो, अगर आपको ये कलर नहीं पसंद तो वाइट कर सकते हो, कोई भी कलर। तो अभी पहले हम इसका साइज़, इसको काट लेंगे, पहले हम साइज़ लेंगे हमारे जो फ्रेम है ना उसका कितना साइज़ है, उसी हिसाब से हमारा जो ये साइज़ है ना हम इसको कट कर लेंगे।
15 सेंटीमीटर मैंने कट किया है। कट हमने किस कुछ इस तरीके से करना है, आप किसी भी कटर से कट कर सकते हो। मैं यहाँ कट कर रही हूँ ये एक्सेसरी टूल जो होता है ना उससे कट कर रही हूँ। हमारा जो ये है ये हो गया कट, बिल्कुल वही साइज़ होना चाहिए जो जितना हमारा ये फ्रेम है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे ऐड करके आप चेक कर भी सकते हो। अब हम इसको कलर करेंगे। चलें जी, अब हमारी जो स्टिक है वो हो चुकी है कलर्ड। अब हम कट कर लेंगे ये हैं जो हमारे अंदर के जो बॉक्सेस हैं ना, जो एज ए एल्बम एज ए फ्रेम काम करेंगे जिस पे पिक्स होंगी वो। ये जो इनके साइजेस हैं। अब हम इन पार्ट्स के साथ भी वही करेंगे जो हमने पहले जो थे ना हमारे उनके साथ किया है। मार्क कर लेंगे जितनी भी लाइंस लगी हुई हैं ताकि हमें फोल्डिंग में आसानी हो। चलें जी, हमारी जो लाइंस थी वो मार्क हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी लाइंस जितनी भी हैं हमारे पास उनको फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से फोल्ड करेंगे। और ये जो हमारे बॉक्सेस हैं ना इनके दोनों साइड पे छोटे छोटे होल किए हैं मैंने ताकि इनमें हमारी जो स्टिक हमने लगानी है वो चली जाए। तो इस तरीके से आपने क्रॉस लगाना है और जो मिडल वाला हिस्सा होगा ना ये क्रॉस पर जाएगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने एक होल बना लेनी है दोनों साइड पे। चलें जी, सारी लाइंस हो गई हैं फोल्ड। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे ताकि हम यहाँ ये जो पैनल्स हैं छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे ग्लू लगा के UHU ग्लू, स्टिक ग्लू, डबल साइडेड टेप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको चिपका लेंगे, ये स्टिक कर लेंगे। ये स्टिक करने के टाइम ना आपने ध्यान से करना है, बहुत ही केयरफुली ट्राई के करना है जब आप स्टिक कर रहे हो। आप चाहे तो मेरी जो वीडियो है उसको स्लो करके भी देख सकते हो। तो ऐसे आपने चिपका देना है, पूरा स्टिक कर देना है अच्छे से। ध्यान रखें कि जो जो जगह रह गई है उसको अच्छे से करना है स्टिक ताकि बाद में उतरने ना लग जाएंगे। हमारा जो एंड का अब रह गया है उसको भी हम ऐसे स्टिक कर लेंगे। चलें जी, हमारा जो एक बॉक्स है हो गया रेडी। सेम प्रोसेस आपने दूसरे के साथ करना है। चलें जी, हमारा जो दूसरा बॉक्स था वो भी रेडी हो गया। अब हम ना यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हम कुछ डेकोरेशन ऐड करेंगे। डेकोरेटिव पेपर मैं ऐड कर रही हूँ। आप गिफ्ट पैकिंग जो शीट होती है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, जो पेपर टाइप की होती है वो, जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो आप पिक्स भी ऐड कर सकते हैं, वैसे इस पे पिक्स लगते हैं। चलें जी, अब दोनों हो गए हैं बनके तैयार। अब हम इनको जो है ना हमारा फ्रेम उसमें फिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले जो स्टिक है उसको ऐड कर लेंगे, साथ साथ हम ये भी ऐड करेंगे। ध्यान रखना है ये जो मतलब जो सीधी साइड है ना वो ऊपर होनी चाहिए ऐसे, जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे जो है ना छोटे छोटे हार्ट्स बने हैं, तो आप जो जो आप ऐड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पिक्स ऐड कर रहे हो, अगर आप कोई भी शीट ऐड कर रहे हो, कोई भी डेकोरेटिव पेपर, तो इस हिसाब से। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, जब आप इसमें ऐड करो ना ये जो अंदर के बॉक्सेस हैं ये हिलने चाहिए, मतलब थोड़े लूज़ होने चाहिए कुछ इस तरीके से। अब ना हम क्या करेंगे, जो हमारे जो स्टिक का बाहर वाला हिस्सा रह जाएगा ना, जो थोड़ा थोड़ा बाहर होगा, उसको ऐसे हॉट ग्लू की मदद से या फिर कोई भी चीज़ आप इस पर टेप से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप हॉट ग्लू यूज़ करो क्योंकि ये थोड़ा ना पकड़ लेता है। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हो गया है, तो ये आपका उतरेगा नहीं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो बाहर वाला जो पार्ट होगा ना, जो बाहर वाला लेयर आउटर लेयर होगा, अब वो हम ऐड करेंगे। ये जो छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के पैनल्स हैं यहाँ पे हम स्टिक लगाएंगे
यहाँ पे हम कोई भी ग्लू जैसे चिपका सकते हो आप, लेकिन यहाँ मैं ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे हम आप यहाँ पे स्टिक कर लेंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था वो पहले के साथ, पहले लेयर के साथ। वैसे ही आपने ना दूसरा भी चिपका लेना है। स्टिकिंग के टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जैसे कि ऐसे मैं सीधे आप देख रहे होंगे कितनी बारीकी से बना रही हूँ इसको, तो आपने ध्यान से बनाना है। और ये जो जब स्टिक कर रहे हो ना तो थोड़ा थोड़ा ना इस पर थोड़ा टाइम, मतलब एक साथ नहीं सारे लगा देने, आराम आराम से एक एक करके करना है। और जब भी आप ग्लू लगा रहे हो तो ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें लगाएं, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो आपका जो भी ये 3D फ्रेम है ये ना इसका खुलने का डर नहीं होगा, फिर आपको तो खुलने से बच जाएगा। वरना कैसे होता है कि ज़रा ज़रा इसको टच करो खुलने लग जाती हैं चीज़ें, अगर थोड़ी थोड़ी लगाएं तो कंजूसी नहीं करना ही, दिल खोल के लगानी है इसमें भी। चलें जी, हमारी जो एक साइड हो गई है वो हो गई है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ये कवर कर लेंगे फ्रेम से। तो इसको भी उसी तरीके से आपने स्टिक कर लेना है इस फ्रेम पे। चलें जी, अब दोनों साइड्स हो गई हैं हमारी कंप्लीट, एकदम डन डना डन डन। पहले आपने चेक कर लेना है कि कोई गैप ना रह जाए इन बीच में, फिर आप चिपका लें उसको भी साथ में। अभी आप यहाँ पे कोई भी टैग लगा सकते हो। मैं यहाँ पे बर्थडे विश लगा रही हूँ, हैप्पी बर्थडे लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बर्थडे के लिए बनाया है। तो आप जो चाहे लिख सकते हो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप चाहते हो तो आप कुछ लेने भी दे सकते हो जो आपका दिल करे। चलें जी, हमारा जो स्विंग फोटो फ्रेम था वो हो गया है बन के तैयार। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।